नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस की बायोग्राफी को देखेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की बायोग्राफी को हम सबसे पहले देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 1908 में और इन्होंने सेल्फ सुसाइड कर दिया था 1931 में। अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपना सेल्फ सुसाइड किया था 1931 में। डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं, 27 फरवरी। तो यहाँ पर जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था एमपी का एक गांव है भाभरा गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर ने अपने ऊपर चले मुकदमे में अपना नाम आज़ाद बताया था, ये आप ध्यान रखें। इनका जो बचपन का नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी। इनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी। पिताजी के साथ कुछ विवाद होने के चक्कर में इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना घर त्याग दिया था। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन करते थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसकी जो स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ये की थी 1924 में। इसके अलावा इसके संस्थापक और कौन कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा, ये थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा और जोगेश चटर्जी। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट है, आप ध्यान रखिए। काकोरी षड्यंत्र केस में इन्होंने भाग लिया था, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी एक गांव है जो कि यूपी में पड़ता है। वहां से धन से भरी हुई एक सरकारी ट्रेन गुजर रही थी, उसको लूट दिया गया था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का तो नाम आया था, लेकिन ये पकड़े नहीं गए थे। इसके अलावा 4 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी। कौन कौन थे ये? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। फिर थोड़ा सा और भी फैक्ट है, वह अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली असेंबली बम केस, जिसमें भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार दी थी। तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये लाहौर षड्यंत्र केस क्या है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत में, तो उसका काफ़ी अधिक विरोध किया गया था और लाहौर में इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, ये आप ध्यान रखें। तो पुलिस अधिकारियों ने इन पर लाठियां बरसाई, लाला जी की वहाँ पर हो गई थी मृत्यु। तो उसी समय कुछ क्रांतिकारियों ने, जिसमें भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुखदेव है, इन्होंने ठानी कि जिस पुलिस अधिकारी ने लाला जी की हत्या की है उसको हम मार देंगे। तो यही है लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने सैंडर्स, एक सहायक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। वो मारने तो गए थे जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन जेम्स ए स्कॉट को तो नहीं मारा, सैंडर्स को उन्होंने मार दिया था। और कब मारा था, तो ये डेट आप ध्यान रखें, 17 दिसंबर 1928 को। और जो ये केस है, इसी केस को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। बाद में जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थे, वो वहाँ से भागकर दुर्गा भाभी के घर गए थे। दुर्गा भाभी कौन थी? भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, उनके घर चले गए थे। और दुर्गा भाभी ने हेल्प की थी लाहौर से भागने में इन तीनों की, और सफलतापूर्वक सभी वहाँ से भाग भी गए थे। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट है लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हैं फिर सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो भारत के शहीद आजम भगत सिंह का जन्म लायलपुर पंजाब में हुआ था। वह प्रतिमा संपन्न, शिक्षित तथा महान क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत एक नव युवक थे। इनका उद्देश्य न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ही समाप्त करना था, वरन वे भारत में रूसी क्रांति की तरह ही राजनीतिक बदलाव भी लाना चाहते थे। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर लाहौर के ब्रिटिश पुलिस अधिकारी व लाला लाजपत राय जी की हत्या के आरोपी सैंडर्स की भी हत्या की थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं इसके बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
इसकी स्थापना की थी 1928 में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी HSRA की, ये आप ध्यान रखें। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, भगत सिंह तो थे ही, इसके अलावा राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सान्याल, ये सभी इसके क्या थे, संस्थापक थे, ये आप ध्यान रखें। और भगत सिंह की एक काफ़ी फेमस पुस्तक रही है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे हैं, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ तत्कालीन ब्रिटिश राज की केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके थे, लेकिन कोई वहाँ पर हताहत नहीं हुआ था, यानी किसी को वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर इन्होंने स्वयं को जो ये पुलिस अधिकारी थे उनको समर्पित कर दिया था, वहाँ पर वो पकड़े गए थे। वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक भारत की स्थापना में विश्वास रखते थे। इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के सिलसिले में सुखदेव व राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है सुखदेव। सुखदेव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक उग्र विचारधारा के समर्थक क्रांतिकारी थे, इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। HSRA का प्रमुख उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। सुखदेव को अंग्रेजी सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया था, तो ये आप ध्यान रखिए। सुखदेव को राजगुरु व भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी, और कब दी गई थी तो ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, कई बार इनका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं रास बिहारी बोस, इनका जन्म हुआ था बंगाल में, कब, 1886 में। इन्होंने दिल्ली, यूपी, राजपूताना तथा पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया था। दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में गवर्नर जनरल हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स के काफिले पर जोरावर सिंह बारट एवं अन्य सहयोगियों के साथ इन्होंने बम फेंका था, और इसी केस को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस, तो ये आप ध्यान रखें, दिसंबर 1912 में ये हुआ था। फिर सन 1915 में वह जापान पलायन कर गए, जापान में भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखी थी। इन्होंने वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, इससे पहले बैंकॉक में की थी ये। उसने कैप्टन मोहन सिंह को युद्ध बंदियों की सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन करने में सहायता प्रदान की थी। सन 1943 में सिंगापुर में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं रास बिहारी बोस से संबंधित। जो सबसे नीचे वाला फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर आप भगत सिंह का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है भगत सिंह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, वो आप देख सकते हैं। अगर आप सुभाष चंद्र बोस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी भी जो लिंक दे रखी है क्वेश्चंस वाली, क्वेश्चंस मैंने इस प्रकार बनाया है कि उनकी पूरी जीवनी कवर हो रही है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप इन दोनों की बायोग्राफी देख सकते हैं, इसके अलावा महाराणा प्रताप की बायोग्राफी के क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोडेड है, तो चैनल को विजिट करके आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है हमारा वो है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। 2000 से अधिक स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो की PDFs मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।